इस जगह पे किसी ने मास्क लगाया ही नहीं है। छह बज गए यार भाई, बहुत ही ज्यादा टायरिंग डे, बहुत ज्यादा टायरिंग। सुबह से आज मैंने जितना काम किया है, मेरे को लगता है इतना काम मैंने पिछले 3 साल में नहीं किया यार। 3 वीडियो शूट करी बैक टू बैक और उन वीडियो का ओवरलैप। सुबह एक व्लॉग एडिट करके आधा जो बचा था वो डाला, उसके बाद अपना लाइफस्टाइल चैनल पे हेयर फॉल वाली वीडियो को डाला। इतना मतलब आज पता चला कि अपनी लिमिट कितनी है। मैं हमेशा सोचता था कि 2 वीडियो से ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, आज 3 वीडियो शूट कर दी है। टाइम बहुत लगा यार, 6 बज गए शाम के और सुबह मैं 10 बजे का उठा हूँ। सोया था आज सुबह 5 बजे यार, 10 बजे उठा, चाय भाई भी मेरे को लगा था मैं मानना पड़ जाऊँ, और तब से कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ यार। एनर्जी बहुत ज़्यादा है अभी, लग रहा है और कर सकता हूँ, लेकिन फिर यू नो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा वीडियोस बनाने में। 3 ठीक है, कोशिश थी मेरी कि 5 बना दूँ, क्योंकि जितने दिन के लिए मैं जा रहा हूँ हर हफ्ते 2 वीडियो आती है, उस हिसाब से 5 वीडियो कायदे से बनानी थी, बट अभी 3 बनाई है। थोड़ा सा देख के टाइम डालेंगे। बाकी आप लोग से एक विनती है कि गाइस सपोर्ट करिएगा, काम अपना हैम्पर होने वाला है, लेकिन कहने ब्लॉग आएंगे। देख रहे हो ये अपना चार्ट पेपर वगैरह शूट करने के लिए था, ये ऐसे लगा हुआ है पूरा, पूरी भसड़ मची हुई है, ये पीछे देखो। तो आज का प्लान ये था कि अपन बाल कटवाएंगे, क्योंकि सिंस वी आर ट्रैवलिंग तो अपने को दिखना भी अच्छा है। हालांकि घर वाले कह रहे हैं बाल बड़े नहीं हुए हैं। एक टाइम था कि जब मैं कहता था कि हाँ ठीक है इतने बाल हैं, मतलब कटवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि नहीं कटवाने पड़ेंगे। बाकी दाढ़ी वाड़ी जो है ना वो कल सेट करी थी। सो बाल कटने की प्रक्रिया शुरू करवानी है। सो ऑयलिंग वॉयलिंग कर ली है और रात के बज रहे हैं 10। हेयर कट बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कैसा लग रहा है। आज इसको बिल्कुल 0 पे करके यहाँ से मिडफिट दिया गया है और ये जो यहाँ की बियर्ड है इसको इसके हिसाब से मिलाया गया है। 10 बज रहे हैं, तैयारी अभी तक नहीं हुई है, नहा वहाँ के फिर देखते हैं कुछ। यहाँ प्रक्रिया हो रही है लैपटॉप को खाली करने की। माई गुडनेस, ये सारा पसाड़ा पै गया है और वो रहा अपना टाइम लैप्स ले रहे हैं वहाँ। एंजॉय करिए। सीन सेट कर दिया है, ये एक बैग लेके जा रहे हैं जिसमें अपने सारे कपड़े उपड़े, इसके अंदर लैपटॉप एंड चार्जर वगैरह, कैमरा, ये एडिशनल एक बैग है जिसका काम आएगा जब हम वहाँ पे डेली ट्रैवल करेंगे। बाकी इसको कहाँ रखना है देखना है। ये अभी काम चल रहा है, जब तक ये काम चलेगा नहीं इसमें लैपटॉप आएगा नहीं। और यहाँ देखिए हमने क्या जुगाड़ से चार्जर लगाया हुआ है 2 सिक्कों के ऊपर, बट ये फिर से दिक्कत कर रहा है। ये दिक्कत मत कर ऐसा मत हो। गुड मॉर्निंग गाइस, सो सुबह के बज रहे हैं 8। मम्मी जी कहाँ चल रही हैं? फैमिली ट्रिप है, लगभग 8 महीने बाद निकल चुके हैं हम लोग पहाड़ पे। लास्ट टाइम मेरे को लगता है पूरी फैमिली हम लोग की गाड़ी से गई है, जब नानी के गए थे तभी गए थे लग रहा है, 8 साल पहले। और बालक, क्या हाल चाल है? चिप्स खा रहे हैं, लाओ हमको भी लाओ। तो यहाँ से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। भाव जाम कितना बड़ा लगा है? थोड़ा ही है। जगह कौन सी है भैया? कटरा में जाम लगा हुआ है, 9:30 बज रहे हैं। कार वो खड़ी है और कितना लंबा जाम है यार, 40 मिनट से फंसे हुए हैं। क्रॉसिंग है, इधर से सारी मालगाड़ी वगैरह जाती है, तो अभी देखने जा रहा हूँ कितना लंबा जाम लगा हुआ है। 1 किलोमीटर लंबा जाम है भैया, दिक्कत हो गई। अगले कम से कम 40-45 मिनट हमारे कहीं नहीं गए। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम उधर पीछे लगा हुआ है और मैं ऑलरेडी 500 मीटर चल चुका हूँ। तो जस्ट होगा वॉशरूम ब्रेक और अभी बरेली पार किया है। For so, my heart is
so desperate on my own, my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit. So lunch हो चुका है तो यहाँ चाय के लिए एक स्टॉप लिया है अगवानपुर मुरादाबाद से थोड़ा सा आगे निकलने पे। चाय बहुत कहनी है तो जो इधर से निकल रहे हैं कभी इनके यहाँ की चाय जरूर ट्राई करें। चाय कैसी है बॉस? लो बहन। ओ बहना चाय कैसी है? पी तो लेने थे, इतने गर्म है। सो 175 किलोमीटर्स और बचे हैं एंड रिलायंस पे पेट्रोल भरवाया जा रहा है। तुम भी निकल जा भैया, तू भी निकल जा। भाई भाई वो भी निकलेगा। इस जगह पे किसी ने मास्क लगाया ही नहीं है। किसी को देखिए, देखिए ये देखिए, किसी ने मास्क लगाया ही नहीं है। बस अब आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा। बताइए ये देखिए किसी ने नहीं। अबे भाई किसी ने नहीं लगाया यार। तो फाइनली अंडा मिल जाएगा देहरादून बेबी। अंडा मिल जाएगा, अंडा ले ले। अंडा ले लीजिए। सो आफ्टर आई गेस 6 बजे सुबह निकले थे एंड इट्स 9:30 तो कितना हो गया 15.5 घंटे की जर्नी के बाद वी आर फाइनली इन देहरादून। लीजिए अंडा भी ले। यहाँ नहीं मिला अभी, ले अभी का जुगाड़ कर रहे थे खाने का ऐसे ही थोड़ा बोड़ा तो ब्रेड वगैरह लिया है लेकिन मैं सोच रहा था मक्खन होगा, मक्खन नहीं। फिर मैंने जैम पूछा, जैम भी नहीं। तो थोड़ा सा बॉडी में फैट बहुत ज़रूरी है, एनर्जी चाहिए। वैसे हाँ वो मक्खन लेना ना, ठीक है ले लेंगे। दिन ऐसे हैं कि इधर बन रहा है ऑमलेट, इधर चाय, ब्रेड, यही सीन है।